हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल विद्या इंस्टीट्यूट। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, क्लास 11th। सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है सीबीएसई के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो आज का क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। ये फंक्शन गिवन है, और ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5π/4 है। तो हमें एफ अल्फा इंटू एफ बीटा यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या और भी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन। तो एफ एल्फा हमें निकालना है और एफ बीटा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एफ एक्स को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, कोस बाई साइन, और यहाँ पे भी कोस बाई साइन, और एलसीएम लेने के बाद ये साइन से साइन नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हमें निकालना है एफ एल्फा इंटू एफ बीटा, यानी इसमें हम एक्स की जगह पहले अल्फा रख देंगे, और फिर बीटा। ठीक है, अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5π/4 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो नॉर्मल प्रोडक्ट कर लेते हैं, ऊपर तो आ गया कोस अल्फा कोस बीटा, नीचे साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये तो आइडेंटिटी बन गई साइन अल्फा प्लस बीटा के प्लस, और अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बन गया कोस अल्फा माइनस बीटा। ऊपर कोस अल्फा और कोस बीटा, ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टू कोस ए कोस बी कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। तो उस हिसाब से ये आ गया हमारा कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा, और बाई टू आ जाएगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है तो इसलिए टू यहाँ पे आ गया, सही है। और अब हमारा क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है। कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोस अल्फा प्लस बीटा की मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 5π/4π, ये तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं है। 5π/4 का मतलब होता है 225, तो कोस 225 की वैल्यू 180 प्लस 45 करेंगे तो -1/√2 आएगी, और अगर साइन 225 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी माइनस के 1/√2। तो इससे हमारा क्या होगा, ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 1/2। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।